जी सर हाँ पूछो। जी सर जी सर सर सवाल मेरा ये है कि जो प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो ये कब से इसका हेल्पलाइन जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा? और जो आप लोग कह रहे थे कि पहले हम लोग डोनर्स लिस्ट जो है वो कर लें और इसके बाद फिर वो चीज, तो कितना टारगेट है कि इतने डोनर्स हो जाएंगे तो इसके बाद फिर मतलब लोग वहां से मदद ले सकते हैं? हालांकि ऑलरेडी आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, स्पेशली श्रीनिवास की टीम काम कर ही रही है, लेकिन फिर भी ये जो अब एक नया कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया प्लाज्मा बैंक, तो ये कब से मतलब इसमें लोग मदद ले पाएंगे, इसका हेल्पलाइन वगैरह क्या होगा, वो चीज सवाल था। और एक जस्ट एक क्लैरिफिकेशन छोटा सा कि वो सोमनाथ जी से मैं ये कहना कन्वे करना चाह रहा था, और उसमें कोई अदरवाइज कोई इंटेंशन नहीं था, कि मतलब वो इंटेंशन उनका अच्छा है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उनको बेहतर एडवाइस मिलेगी, बस वो था, और कोई मतलब उसको अदरवाइज मत ना लिया जाए। उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा जयनिंद, आप निश्चिंत रहें। पहले भाग का उत्तर मैं खुद दे देता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को खोलें कांग्रेस बीट के, उस पर आपको लिंक दिखेगा, लिंक आपके पास ऑलरेडी है, वो पब्लिक हो चुका, मीडिया से शेयर किया जा चुका है। अब आगे इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग, श्रीनिवास जी, पवन जी। श्रीनिवास जी प्लीज गो अहेड। सर अभी जो प्लाज्मा एनरोल करेगा, मैक्सिमम ये एक वीक तक, एग्जैक्ट टाइम पवन जी और कंट्रोल रूम ने फाइनल करेगा। पूरा देश भर ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक सारे कार्यकर्ता का व्हाट्सएप ग्रुप में, और कुछ सीनियर लीडर ने इसको लेके एक मिनट का वीडियो भी बना के उनके सोशल मीडिया में भी उन लोग ने जारी करेगा, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उन लोग के मांग भी करेंगे। उसके बाद में बहुत सारा लोग बाहर आके डोनेट करेगा, वो लिस्ट लेके जब सेग्रीगेट होगा, होने के बाद में पीसीसी कंट्रोल रूम के लिए वो डिवाइड करके जल्दी से जल्दी, कितने जल्दी, बहुत कठिन समय है, सबसे ज्यादा कोई डॉक्टर ने लिख रहा है प्लाज्मा के लिए, हमने ज्यादा ज्यादा लोगों को मदद करने के लिए ये करेंगे। और मैक्सिमम कुछ डॉक्टर का आपने बताया, डॉक्टर को भी वीडियो ले लेता है इसमें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, उनका भी वीडियो ऐड करके हमने लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी आपने आपको आइडेंटिफाई करें। हाँ मैं संतोष ठाकुर बोल रहा हूँ नवभारत से। जी 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 संतोष जी, किससे सवाल पूछें? मैं तो सर बस श्रीनिवास जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब भी इनके साथ हैं, बस यही कहना चाहता था। धन्यवाद संतोष जी, कांग्रेस पार्टी का परंपरा है सर, मदद लोगों के साथ रहे। हमारे प्रश्न खत्म हो गए हैं पवन जी, आखिर में आई एम कमिंग बैक टू यू, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मेरा एक कॉल आ गया किसी पेशेंट का, तो क्या बोल रहे थे? सॉरी मैं ये कह रहा था कि आज हमने ये महत्वपूर्ण घोषणा करी है, ये हमने अभी हेल्पलाइन लॉन्च किया है, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, वैसे लोग जो संक्रमित हुए, वैसे लोग जो प्लाज्मा जिनकी जरूरत है, वैसे लोगों से कुछ आप अपील करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर? बिल्कुल प्रणव भाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको अपील है कि जिस जो भी कोविड को हरा कर बाहर आए हैं वो कृपया करके आगे बढ़ें, आगे आएं, इस मुहिम में शामिल हों और लोगों को बचाने के लिए अपना एक योगदान दें। हम सब मिलकर कोविड को हराएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सबका सहयोग बहुत जरूरी है। बाकी लेखा जोखा बाद में करेंगे, किसने क्या किया क्या नहीं किया वो करते रहेंगे, बहुत पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन अब हम सबको मिलकर कोविड को हराने के लिए जो जो बन सके हम वो हमें करना है। सबसे यह अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन कि सब आगे आए, अपना प्लाज्मा दें, कोई डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की सलाह पढ़ दें, डॉक्टर्स से सलाह मशविरा करके दें, लेकिन आगे आना जरूरी है, उससे कई लोगों की जान बच सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद श्रीनिवास जी, हम उम्मीद करते पवन हैं। पवन जी मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू कैन अलाउ सुप्रिया डिसाइड। सुप्रिया हाँ प्लीज। हाँ सुप्रिया सर, अभी ना दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जिसमें हाई कोर्ट को इस लेवल तक जाके कहना पड़ा कि अगर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू की जा सकती है सेंटर के खिलाफ, और काफी ज्यादा सख्त रवैया था हाई कोर्ट का, और उन्होंने ये तक कह दिया कि इनफ इज इनफ। और उसी समय
8 जो है बत्रा हॉस्पिटल में पेशेंट्स की डेथ हो गई इंक्लूडिंग अ डॉक्टर बिकॉज ऑक्सीजन शॉर्टेज. किस तरह देखते हैं जो ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली में इसमें चल रहा है? ये बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है और ऐसी स्थिति में जब कोर्ट को संज्ञान लेते हुए या अस्पतालों को कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ रहा हो और उसमें भी केंद्र सरकार के जो लीगल ऑफिसर हैं उनका रवैया क्या रहा है हम सबने देखा है उसको, और फिर केंद्र वर्सेस राज्य, ये क्या वक्त है इस तरह की लड़ाई लड़ने का जिस तरह की लड़ाई हमको दिख रही है? नहीं साहब, केंद्र के पास पावर है, जिसको पावर लेना है ले लीजिए, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन तो मुहैया कराइए. जैसा मैंने आपको इस प्रेस वार्ता में बताया आंकड़ा दिए, उसमें 7 तो ऑक्सीजन ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लग गए, क्या हुआ उनका? तो ये सवाल उठेंगे, बार बार उठेंगे, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि मुहैया कराए. अफसोस की बात है कि डॉक्टरों की भी जान जा रही है और मरीजों की भी, और जो बत्रा हॉस्पिटल में हुआ ये दिल दहला देने वाली घटना है. और एक बात की राहत है कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक कड़ा रवैया अख्तियार किया है, शायद उससे राहत कुछ मिले. एक सवाल और आया है, नियमिका जी पूछना चाहती है ईटीवी से. नियमिका सर, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज ऑन डिफरेंट इशू. टुडे मॉर्निंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू बाय यूएस top epidemiologist Dr. Anthony Fauci, he has suggested that a complete lockdown in India for a few weeks is the only only step to contain the spread of COVID-19. So what is the opinion of Congress party over that? I think we should, whether we are in power or outside of power, we should go strictly by experts' advice. We as politicians are not equipped enough to deal with such questions which require domain expertise. I would respect any expert giving advice knowing India's ground reality, and that should be followed, whoever that expert is, if he or she understands what's going on in India. And I hope that our governments also go strictly by expert advice. On that line, I think these were golden words, that the government should go by the advice of the experts rather than their own chosen ones that they have.